वैसे आपने भगवान शिव के कई मंदिरों को देखा होगा, लेकिन मंदिर का आकार ही आपको कई दिलचस्प कहानियां सुना जाए तब आप क्या कहेंगे। कर्नाटक के कोलार जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग मौजूद है, जिसके चारों ओर करोड़ों के शिवलिंग स्थापित है। इसे कौटिलिंगेश्वर धाम कहा जाता है। चलिए आपको इस मंदिर के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों की नजरें एकटक केवल मंदिर के आकार को ही निहारती हैं, क्योंकि यहाँ बसा है महादेव का वो रूप जो शायद दुनिया भर में अपन तरह का इकलौता मंदिर है। यहाँ मंदिर का आकार ही शिवलिंग के रूप में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी है। शिवलिंग रूप में इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरह से शिवमय हो जाते हैं, और इसकी गवाही देते हैं मंदिर के चारों ओर मौजूद करीब 1 करोड़ शिवलिंग। कोई भी अचंभे में पड़ सकता है कि आखिर मुख्य मंदिर के आसपास लाखों शिवलिंग क्यों स्थापित हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना में इस अचंभे का राज छिपा है। इस मंदिर में भक्त अपने मन में सच्ची श्रद्धा लिए आते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 फीट से लेकर 3 फीट तक के शिवलिंग अपने नाम से स्थापित करवाते हैं। ये महादेव की महिमा ही है कि अब इन शिवलिंगों की संख्या करीब 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस विशाल शिवलिंग के सामने नंदी भव्य और विशाल रूप में दर्शन देते हैं, जिसकी ऊंचाई 35 फीट है। इस विशाल शिवलिंग के चारों ओर देवी मां, श्री गणेश, श्री कुमारस्वामी और नंदी महाराज की प्रतिमाएं ऐसे स्थापित हैं जैसे वे अपने आराध्य को अपनी पूजा अर्पण कर रहे हों। मंदिर का यही अद्भुत रूप और हर मन्नत पूरी होने की मान्यता ही दूर दूर से हजारों भक्तों को यहाँ खींच लाती है। मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद 2 वृक्षों पर पीले धागे को बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, विशेषकर शादी ब्याह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। मंदिर की तरफ से भी दूर दूर से आने वाले भक्तों के रहने खाने का भी यहाँ उचित इंतजाम किया जाता है। महाशिवरात्रि पर तो इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। अपने आराध्य देव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण कर पुण्य लाभ कमाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। सपवित्र मंदिर का निर्माण संभा शिव मूर्ति और उनकी पत्नी वी रुक्मिणी ने लगभग साल 1980 के आसपास करवाया था। कहा जाता है कि शुरुआत में इस जगह पहले 5 शिवलिंग, फिर 101 शिवलिंग और फिर 1000, एक और ऐसे ही करते करते आज यहाँ लगभग 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित है। हालांकि वर्ष 2018 में संभा शिव मूर्ति यानी स्वामी जी का निधन हो गया है, तब से यहाँ मौजूद अन्य अधिकारी शिवलिंग लगाते रहे हैं। कहा जाता है कि स्वामी जी चाहते थे कि यहाँ करोड़ों शिवलिंग की स्थापना शिव जी के इस दुर्लभ स्वरूप को देखने के लिए आप अपने जीवन काल में एक बार जरूर यहाँ आए। बैंगलोर से कोलार मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बैंगलोर से कोलार कौटिलिंगेश्वर मंदिर का 1 दिन का ट्रिप आराम से बना सकते हैं। अद्भुत मंदिर पर ऐसे वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।